उड़ीसा सुंदरगढ़ जिला के राजगांवपुर ब्लॉक अंतर्गत जबलपुर से वायपुर जा रही रोड में बने पुल के सटे पानी के कटाव से बस जाने से दोनों गांव का संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि वायपुर गांव वालों के लिए एकमात्र रास्ता जो गांव वालों को राजगांवपुर शहर से जोड़ता है, जो पानी के बहाव से पुल के सटे दो दिन मूसलाधार बारिश से रास्ता बह जाने से पूरी तरह संपर्क टूट गया था। इसकी जानकारी गांव वालों ने सरकारी कार्यालय के साथ स्थानीय विधायक को भी दी गई। स्थानीय विधायक ने तो घटनास्थल पहुंचकर इसका जायजा लिया और शीघ्र बनाने का आश्वासन दिया। फिलहाल गांव वालों ने श्रमदान करते हुए स्पंजारन से कोयला डस्ट मांगकर उसे बोरे में भरकर पूरे दिन मेहनत करके रास्ते को फिलहाल चलने लायक बनाया है, लेकिन बारिश के समय में पानी बढ़ने से कभी भी रास्ता बह सकता है। ज्ञात हो कि वायपुर गांव के लिए जबलपुर होकर राजगांवपुर जाने का रास्ता है, जो बारिश के दिनों में कभी भी बह सकता है। गांव वालों का अभियोग है कि सरकारी अधिकारी से तुरंत संज्ञान में लेकर रास्ते को बनाए ताकि गांव के किसानों को आने जाने में परेशानी ना हो। मेरा नाम समीर लाकरा है, मैं वायपुर गाँव का हूँ। और अभी कल का बारिश और आज का बारिश, जैसे कल दोपहर को बारिश हुआ, फिर शाम को हुआ, उसके बाद सुबह से भी हुआ बारिश, तो फिर उसके वजह से जो हम लोग का बायपुर गांव से जो हम लोग का जो मेन सिटी है या टाउन बोल सकते हैं, रजबपुर को कनेक्ट करने का जो मेन और एक जरिया रास्ता है, उसमें जो एक छोटा ब्रिज गड़वल है वो कम्प्लीटली डैमेज हो गया था। और क्योंकि वो लगभग 15-20 फीट गहरा है, गड्ढा है, और कम्प्लीटली एक साइड से धुल गया था, जिसमें कि एक साइकिल वाले को भी जाने के लिए थोड़ा बहुत रिस्की लग रहा था कि अगर कहीं गिर गया तो फिर वो बहुत प्रॉब्लम हो सकता था, किसी का जान भी जा सकता था, इतना गहरा था। तो हम लोग ने इमीडिएटली, हम मेरे गांव के मेरे भाई लोग, मेरे पापा, मेरे गांव के मेरे जो भी सीनियर्स हैं, हम लोग ने सबके मिल के इमीडिएटली सोचा क्या करना चाहिए। हम लोग ने हमारे जो भी प्रशासन या फिर जो भी हमारे इमीडिएट वार्ड मेंबर बोलेंगे या फिर ग्राम पंचायत बोलेंगे, हमने हमारे MLA तक को सबको हमने इन्फॉर्म किया, उन्होंने भी सही टाइम पे सही रिस्पांस दिया, हम लोग को सपोर्ट किया। और फिर हम लोग के गांव के हमारे सब भाइयों ने मिल के हम लोग ने टेम्परेरीली ये काम को इमिडिएटली आज ही हम लोग, भले ही थोड़ा अंधेरा हो गया, लेट हो गया, बट सबके हेल्प से हम लोग ने टेम्परेरी सोल्यूशन निकाल के इसको हम लोग ने बनाया ताकि ये रिस्क फ्री है अभी। मेरे को बड़े भाई लुईस लखरा भाईपुर के फ़ोन करके बोले कि हमारे रास्ता में पानी धो दिया है, ये जो बारिश का पानी, तो मैंने उनका फ़ोन आते ही मैं आया, और हम लोग आने का बाद देखे कि रास्ता में पूरा पानी धो दिया है। कल से बारिश होते हुए सुबह तक बारिश आया और उस बारिश ने इस रास्ता को धो दिया। तो इस भाईपुर गांव से आने जाने वाले तथा यहाँ से जंपली तक ये रास्ता में आने जाने वाले के लिए बहुत दिक्कत है। रास्ता इसे धो दिया कि साइकिल और मोटरसाइकिल बहुत मुश्किल से आना जाना हो रही थी। तो हम लोग सबको इस बात पर विचार किए और सबको मिलजुल के ये रास्ता को बनाने के लिए हम लोग सभी को सरकार को वेट ना करते हुए, सरकार के ऊपर वो लोग इंतज़ार ना करते हुए अपने गांव के आए, मिले और खुद रोड बनाए। और मैं धन्यवाद दूंगा वो जो प्रभु स्पंज के वो लोग चारकोल भेज दिए, उसी चारकोल को उन लोग ये रास्ता में बनाए, और वो रास्ता को अभी टेम्परेरीली बनाए हैं। लेकिन मैं सरकार को तथा ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अनुरोध करूंगा, ये नदी किनारे ये रास्ता है और इस नदी किनारे के रास्ता में गढ़वाल की बहुत ज़रूरी है। अगर गढ़वाल नहीं होगी तो ये रास्ता पूरे ख़त्म हो जाएगी और ये रास्ता में आने जाने वाला के लिए बहुत दिक्कत होगा। अभी पूरे जुलाई अगस्त बारिश का सीज़न है, इसलिए मैं अनुरोध करूंगा ये हमारे सरकार को और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, वो दोनों साइड गढ़वाल को जितना जल्दी हो सके बना देंगे। संवाददाता राम प्रवेश चौधरी, VSRS न्यूज़, सुंदरगढ़।